लोग स्ट्रेस स्ट्रेन को मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे. आज हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ पढ़ेंगे. एक्चुअली में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ग्राफ, ग्राफ कह लीजिए या इनके जो है रिलेशनशिप कह लीजिए, जो भी है, हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन की प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे, इनके आपस में रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करेंगे. आपको जैसा कि मालूम है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल एक रबर बॉल है, इसे अगर आप अपने हैंड में लेके स्क्वीज करें तो आप देखेंगे कि इसकी जो शेप है उसमें चेंज प्रोड्यूस होगा, यानी कि बॉल का जो एरिया है वो भी कम हो जाएगा. पहले ज़्यादा था तब तो कम हो गया, शेप में चेंज आई है. तो ये जो शेप में चेंज आती है इसे हम लोग कहते हैं कि इसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई है. लेकिन स्ट्रेन प्रोड्यूस तो हो गई है, मगर किसने प्रोड्यूस की है? जो फोर्स आप अपने हैंड से लगा रहे थे इस बॉल के ऊपर, उस फोर्स ने इसको स्क्वीज किया ना, और वो फोर्स जो है किसी यूनिट एरिया पर अप्लाई हो रही है. तो इसका मतलब ये हुआ कि आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे थे इस बॉल के ऊपर, और इस बॉल के ऊपर जैसे ही स्ट्रेस अप्लाई हो रही थी तो उस स्ट्रेस के अंदर इसके अंदर जो है डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगी, यानी कि इससे इसके अंदर जो है वो चेंज आ रहा था, और वो चेंज इसकी शेप में आ रहा था, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस लगे तो उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है. या अगर आप इसे इस तरीके से कर लीजिए कि यहाँ पर आपके पास कोई रबर का एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ ये है, आप अगर इसे किसी भी फोर्स एफ से इस तरीके से खींचें कि इसमें कंप्रेशन प्रोड्यूस करें, और इसकी लेंथ के अक्रॉस आप इसके अंदर कंप्रेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसे आप इसकी टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे. यानी कि ये फोर्स लग रही है, इसका कोई ना कोई ये एरिया है जिसके ऊपर ये फोर्स अप्लाई हो रही है, तो इसके ऊपर जो आपकी टेंसाइल स्ट्रेस है वो लग रही है, जिसकी वजह से इसके पास जो है इसकी लेंथ में इतना चेंज आ जाएगा. तो हम कहेंगे कि ये लेंथ में जो चेंज आया है ये टेंसाइल स्ट्रेन है, क्योंकि ये इस फोर्स की वजह से इसकी लेंथ में आया है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस लगाएं तो इन द रिएक्शन आप कह सकते हैं कि उसके अंदर स्ट्रेन ज़रूर प्रोड्यूस होती है. स्ट्रेस और स्ट्रेन को तो आप बहुत ही जगहों पर देख सकते हैं. स्ट्रेस जो है हमारे रियल लाइफ में, जैसे कि हम लोगों ने पहले एग्जाम्पल्स में बात की है, हमारे अर्थ के अंदर अर्थक्वेक भी जो है वो स्ट्रेस की वजह से आते हैं. इसके अलावा बीम्स के अंदर भी स्ट्रेस और स्ट्रेन होती है. बीम्स जो बिल्डिंग होती है, हमारी बिल्डिंग जो है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन की वजह से ही स्टेबल है. उसके अंदर उसी की जो है हम लोग रिलेशनशिप पड़े होते हैं. मुख्तलिफ हमारे बीम्स होते हैं, कॉलम, वर्टिकल, डिफरेंट तरह के बीम हम इस्तेमाल करते हैं बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में. इसी तरह जो है डिफरेंट मटेरियल्स में हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं कि आया कि किस मटेरियल को किस मशीनरी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके ऊपर कितनी स्ट्रेस लगाई जाए कि वो कितनी स्ट्रेस जो है लगाने से कितनी स्ट्रेन उसके अंदर प्रोड्यूस हो सकती है, या वो कितनी स्ट्रेस को बेयर कर सकता है. ये हम लोग जो है स्टडी करते हैं, यानी कि स्ट्रेस की जब भी किसी बॉडी के ऊपर लगे तो आपके पास कुछ ना कुछ स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है. अब स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रिलेशनशिप है या जो इनकी प्रॉपर्टीज़ है उसे हम एक ग्राफ के थ्रू स्टडी करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये हमारे पास एक ग्राफ है, और इस ग्राफ के जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर मैं ले लेती हूँ अपनी जो है स्ट्रेन. जैसे कि हम लोगों ने पहले वीडियोस में किया है, ये स्ट्रेन आ गई और ये हमारे पास जो है स्ट्रेस आ गई. अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास स्ट्रेस आ गई, और अलोंग एक्स एक्सिस जो है हमारे पास स्ट्रेन आ गई, और वहाँ पर हमारे पास स्ट्रेस है. अब हम करते ये हैं कि सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक मटेरियल है, जब तक आप उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते उसके अंदर कोई स्ट्रेस प्रोड्यूस ही नहीं होता. तो स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं हुआ तो उसका मतलब है उसके अंदर स्ट्रेन भी ज़ीरो है. जैसे ही आप उसके ऊपर जो है फोर्सेस अप्लाई करना शुरू हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल कि आपने 2 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की है, फिर आपने उसके ऊपर 4 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की है, देन 6 न्यूटन की अप्लाई की है, तो उसके अंदर कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ आया कि एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में उसके अंदर जो इसकी लेंथ के अंदर किसी भी बॉडी की लेंथ के अंदर जो है इंक्रीज़ आता चला जा रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल कि 2 पे जब वो था तो उसके अंदर L1 आया, जब वो 4 न्यूटन पे गया तो उसके ऊपर जो डेल्टा L है वो L2 उसके अंदर चेंज आया, जैसे ही वो 6 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की तो उसमें कुछ L3 इंक्रीज आया, यानी कि उसकी लेंथ में इतना इंक्रीज आया. इसे आप इस तरीके से देख लीजिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और ये रबर का बना हुआ है. इस स्ट्रिंग के अंदर जब आप इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ थी L, ठीक है, जैसे ही आपने इसके ऊपर एक फोर्स लगाई 2 न्यूटन की, तो ये 2 न्यूटन की फोर्स अप्लाई होने से इसकी लेंथ में इतना चेंज आ गया जिसे हम लोगों ने L1 कहा. फिर इसके ऊपर मजीद मैंने 2 न्यूटन की जगह हटा के 4 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो आप देखेंगे कि इसमें पहली बारी से ज़्यादा चेंज आया है जो कि L2 है. सिमिलरली अगर मैं 6 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करूँ तो इसमें L3 चेंज आ जाएगा. कहने का मकसद ये है कि जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते चले जा रहे हैं स्ट्रेन भी बढ़ता चला जा रहा है, मतलब कि डेल्टा L इंक्रीज होते चला जा रहा है.
और दूसरे तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि इनके अंदर जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप पाया जा रहा है, यानी कि जैसे ही फोर्स बढ़ती है तो उतना ही उसके अंदर डेल्टा इंक्रीज हो जाता है, जिसे मैंने यहाँ पे L1, L2 और L3 कह के रिप्रेजेंट किया। फॉर एग्जांपल कि आपके पास कुछ ऐसा मटेरियल है जिसके ऊपर आप जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने से उसके अंदर डेल्टा एल इंक्रीज आता है, लेकिन जैसे ही आप इस फोर्स को छोड़ देते हैं तो ये वापस अपनी मेन पोजिशन पर आता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इसके अंदर जो है इलास्टिसिटी पाई जाती है, इसके अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है, एबिलिटी है कि ये वापस अपनी मेन पोजिशन को अटेन कर सकता है। और ये अगर यहाँ तक आ गया, फॉर एग्जांपल कि आपके पास ब्रिटल मटेरियल है, तो ब्रिटल मटेरियल जो है उसके अंदर इलास्टिसिटी जो है वो होती है, और ब्रिटल मटेरियल में इलास्टिसिटी तो पाई जाती है, लेकिन फॉर एग्जांपल इसके बाद ट्रेंड कुछ इस तरीके से हो गया है कि लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पर जो है 8 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर दी, और 8 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करने से इसके अंदर कुछ बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज आ गया, इसे हम लोग कहते हैं डेल्टा एल फोर्स। वो कुछ इस तरीके से है कि उसको मैं जब हटाती हूँ उस फोर्स को, यानी कि अगर मैंने यहाँ पे 8 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की है तो इसमें L4 जो है इंक्रीज तो आ गया है 8 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करने से, बट जैसे ही मैंने 8 न्यूटन की फोर्स हटाती हूँ ये वापस अपनी मेन पोजीशन पर नहीं जाता। इसका मतलब है ये मटेरियल, जो भी मटेरियल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हो सकता है कि वो ग्लास हो, हाई कार्बन स्टील हो, आप कोई प्लास्टिक का रबर इस्तेमाल कर, इलास्टिसिटी जिसके अंदर पाई जाती है उस तरह का कोई स्ट्रिंग, कोई रबर बैंड, कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या होगा कि उसके अंदर जो है अब इलास्टिसिटी नहीं पाई जाती। इसका मतलब है कि जैसे ही मैंने इसके ऊपर से अपनी फोर्स हटाई ये फिर वापस अपनी मेन पोजीशन पर गया ही नहीं, इसके अंदर इतनी एबिलिटी थी ही नहीं कि ये अपनी मेन पोजीशन को अटेंड कर सकता। तो ये जो हमारा पॉइंट होता है, जिस पॉइंट तक कोई भी बॉडी अपनी मेन पोजीशन को अटेंड कर सकती हो फोर्स के हटाने से, हम उस चीज़ को कहते हैं कि ये हमारा जो है प्रोपोर्शनल रीजन है या इलास्टिक रीजन है, जिसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं सिग्मा पी लिख देती हूँ कि ये हमारा प्रोपोर्शनल रीजन है, यानी कि यहाँ तक जो रीजन है मेरा इसे मैं कहूँगी कि ये इलास्टिक रीजन के अंदर आता है। इस सारे के सारे को मैं ई रीजन से शो कर देती हूँ, जिसका मतलब है कि इलास्टिक रीजन। इसके बाद जैसे ही मैंने फोर्स लगाई और फोर्स के लगाने से मेरी बॉडी जो है उसके अंदर इंक्रीज आया, जो भी बॉडी मैं इस्तेमाल कर रही थी, जिस भी मटीरियल की वो बनी थी, उसके अंदर इंक्रीज इन लेंथ तो आया, लेकिन उस फोर्स के हटाने से मेरा वो मटीरियल, मेरी वो बॉडी जो है अपनी मेन पोजीशन पर वापस नहीं गई। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो है इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ कि बी है। इस पॉइंट पे क्या हुआ कि यहाँ पर उसके अंदर इलास्टिसिटी शो ही नहीं हुई, इसके अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी ही नहीं आई। अब अगर मैं अपनी फोर्स को मज़ीद बढ़ा दूँ, यानी कि मैं इस तरह से करूँ कि मैं अपनी फोर्स को मज़ीद आगे ले जाऊँ, 8 न्यूटन की जगह मैं 9 न्यूटन मज़ीद फोर्स जो है अप्लाई करना शुरू कर दूँ, तो मेरे पास क्या होगा कि ये जो है इसके अंदर मज़ीद इंक्रीज आएगा, मेरी जो भी मैं मटेरियल इस्तेमाल कर रही हूँ उसके अंदर मज़ीद इंक्रीज आना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर आप जितनी भी स्ट्रेस अप्लाई करेंगे वो आपकी स्ट्रेन की डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं होगी। मतलब सिंपल सा कहने का ये कि अगर आपके पास ये रोड थी, इसके 42 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की तो इसके अंदर जो चेंज इन लेंथ आया था वो L1 है। सिमिलरली अगर आपके पास यही रोड थी, आपने इसके ऊपर 4 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दी तो उसके अंदर मज़ीद इंक्रीज आ गया, जो कि L2 है। और अगर आपने इसी रॉड के ऊपर जो है, जो भी रॉड है, जो भी आपका मटेरियल है, उसके ऊपर 6 न्यूटन अप्लाई की तो आपके पास L3 आ गया। अब आप देखिए इनके अंदर एक ट्रेंड है कि जैसे जैसे फोर्स बढ़ती चली जा रही है उतना उतना उसके अंदर इंक्रीज आ रहा है, उसकी लेंथ के अंदर। फिर एक पॉइंट हमारे पास ऐसा आया कि हम लोगों ने 8 न्यूटन की, यानी कि अपनी फोर्स को थोड़ा सा मज़ीद बढ़ा दिया, तो उस फोर्स के बढ़ने से हमारे पास क्या हुआ कि वो बॉडी जो है वो इलास्टिक रीजन से बाहर चलेगी, यानी कि उसके अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्ट नहीं रहे, जिसकी वजह से पॉइंट बी पर जाकर हुक्स लॉ ओबे नहीं होता। इसका मतलब है इलास्टिक रीजन वो रीजन है जहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और हुक्स लॉ ओबे हो रहा है। और बी पॉइंट हमारा यील्ड पॉइंट कहलाता है, इसे मैं कह सकती हूँ कि बी पॉइंट जो है हमारा यील्ड पॉइंट है, यानी कि ऐसा पॉइंट जिससे पहले हमारी बॉडी इलास्टिसिटी में होती है, यानी कि इलास्टिक रीजन में होती है, लेकिन जो बी पॉइंट से पहले वाला रीजन है, ये वाला या जिसे मैंने यील्ड पॉइंट कहा है, ये वाला जो रीजन है यहाँ पर जो है वो हुक्स लॉ ऑबे नहीं होता, लेकिन इलास्टिसिटी बहरहाल इसमें होती है। और पॉइंट ओ से लेके बी तक, यानी कि मिसाल से लिख लेती हूँ कि ओ से बी तक जो है हमारा सारा का सारा इलास्टिक रीजन है,
ये हमारा इलास्टिक रीजन है, इसे हम कह सकते हैं कि सारा का सारा इलास्टिक रीजन है, लेकिन मैंने बेसिकली इसे रिप्रेजेंट इसलिए किया है कि ये वो वाला रीजन है जहाँ पर वो स्नो भी ओबे हो रहा है, और पॉइंट बी को मैंने स्पेसिफाई कर दिया है कि ये पॉइंट है, यानी कि वो वाला पॉइंट जिससे पहले कोई भी बॉडी जो है इलास्टिक रीजन के अंदर होगी, यानी कि इस तरह से कह सकते हैं कि ये अगर हमारा बी है तो बी से पहले जो है वो हमारे पास इलास्टिक रीजन में होगी कोई भी बॉडी, और इसके बाद जो है कोई भी बॉडी जो है वो प्लास्टिक रीजन में चली जाएगी, यानी कि अब बी के बाद आप कितनी भी फोर्स अप्लाई करें, आप 9 न्यूटन करें, आप 10 न्यूटन करें, आप 12 अप टू जितनी मर्जी न्यूटन फोर्स अप्लाई करें, ये बॉडी जो है इसके अंदर इलास्टिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, यानी कि इसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि ये वापस अपनी जो है ओरिजिनल पोजीशन पर जा सके, या इसके अंदर जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है वो आपस में डायरेक्ट हो, स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्ट सिर्फ 6 न्यूटन तक है, सिर्फ इस पॉइंट तक सिग्मा पी तक ये आपस में डायरेक्ट है, ओ से बी तक भी इलास्टिसिटी होती है, वो बी से भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन ओ पे आ सकता है, लेकिन स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते। उसके बाद क्या होता है कि जब हम लोग मजीद फोर्स बढ़ा देते हैं पॉइंट बी के बाद, तो ये हमारे पास यील्ड पॉइंट आ जाता है, इसके बाद प्लास्टिक रीजन आ जाता है जिसमें बॉडी बिल्कुल भी अपनी जो है ओरिजिनल पोजीशन को अटेन कर ही नहीं सकती, और बी के बाद जो आगे वाली स्टेजेस आती हैं वो हमेशा डक्टाइल मटेरियल के अंदर आती हैं, यानी कि ब्रिटल मटेरियल में आपके पास सिर्फ यील्ड पॉइंट तक आ सकता है, यानी कि आपके पास इलास्टिक रीजन होता है उसके अंदर प्लास्टिक रीजन आपके पास नहीं आ सकता। जैसे ही प्लास्टिक रीजन पूरा होता है, प्लास्टिक रीजन को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बल्कि इस तरीके से इसे शो कर देते हैं हम थोड़ा सा ऊपर हो जाके ताकि हमारी वो आसानी हो इस तरीके से, और इसे अगर मैं यहाँ पर ला कर थोड़ा सा बाहर रिप्रेजेंट करूँ तो ये सिग्मा पी है, अगर मैंने इसे पी कहा था, इसे हम लोग ई कह देते हैं ना कि ये सिग्मा ये इलास्टिक रीजन के लिए, इसे सिग्मा पी कह लेते हैं। अब क्या होगा कि जब भी किसी अब जब बॉडी हमारी प्लास्टिक रीजन के अंदर चली ही गई है, तो प्लास्टिक रीजन के अंदर जाने के बाद अगर आप इससे मजीद फोर्स लगाते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि फोर्स के लगने से, फॉर एग्जांपल कि 10 न्यूटन की फोर्स आ गई, फोर्स अप्लाई करने से इसके अंदर कुछ ना कुछ इलांगेशन तो सारी सी बातें प्रोड्यूस होनी है, डेल्टा एल ने तो आना ही आना है क्योंकि फोर्स अप्लाई हो रही है, स्ट्रेस लग रही है, तो इसका मतलब स्ट्रेन तो आएगा ही। और दूसरी बात ये कि आपको मालूम है कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, इस तरह इन मटेरियल्स के अंदर भी लिमिट होती है कि एक ऐसे लिमिट जहाँ तक ये मैक्सिमम जो है स्ट्रेस को बेयर कर सके, कोई भी मटेरियल है, कोई भी स्ट्रिंग है, कोई भी रॉड है, कोई भी बीम है, कोई भी आपके पास मटेरियल है उसके अंदर स्ट्रेन को बेयर करने की एक लिमिट होती है, वो मैक्सिमम जो है स्ट्रेस बेयर कर सकते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं कि ये अल्टीमेट अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट है इसका, और अगर वो लेंथ के अंदर इंक्रीज कर रहा है तो हम इसे कहेंगे कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है, यानी कि इसकी लेंथ के अंदर इंक्रीज आ रहा है तो टेंसाइल हो गया, और अल्टीमेट मतलब कि ये जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना भी ये स्ट्रेस को बेयर कर सकता है, क्योंकि स्ट्रेस के बेयर करने के बाद एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ वो ब्रेक हो जाता है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जब भी प्लास्टिक रीजन के बाद मजीद उसके ऊपर अप्लाई करते चले जाते हैं फोर्स, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जिसे आप कह लें कि ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है, यहाँ पर कोई भी मटेरियल मैक्सिमम स्ट्रेस को बेयर कर सकता है, इसके बाद वो स्ट्रेस बेयर नहीं कर सकता, और क्या होता है एज अ रिजल्ट वो मटेरियल जो है ब्रेक कर जाता है, यानी कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस के बाद वो मटेरियल ब्रेक कर जाता है, इसे आप सिग्मा बी या सिग्मा एफ कह सकते हैं, यानी कि फ्रैक्चर पॉइंट आ जाता है हमारे पास, वो मटेरियल ब्रेक कर जाता है। जैसे कि अगर आप देखें आपके पास कोई स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग है आपके पास, वो भी रबर का, उसके अंदर इलास्टिसिटी है, फॉर एग्जांपल आसानी के लिए समझ लीजिए, तो आपने देखा होगा कि अक्सर जब आप उसको खींचते हैं और खींच के छोड़ तो वो अपनी इलास्टिक पोजिशन के अंदर आ जाता है, बाज़ अवकात होता है कि आप उसे खींचते चले जा रहे हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर नहीं आता, और अगर आप मजीद से मजीद फोर्स अप्लाई करते जाते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो दरमियान से जो वो बहुत थिन हो जाता है, बहुत पतला हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे कि अभी ये ब्रेक होने वाला है, वो जो थिन होने वाला पॉइंट होता है उसे हम लोग कहते हैं कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है, और उसके बाद अगर आप उसे मजीद खींचें तो आपके पास दोनों जो वो रबर है वो टूट के दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है, मतलब कि उसमें ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है, उसमें फ्रैक्चर पॉइंट आ जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा ब्रिटल मटीरियल है वो ऐसे पॉइंट तक पहुँच जाता है जहाँ वो ब्रेक हो जाते हैं, और डक्टाइल मटीरियल ब्रेक हो जाते हैं, और जो हमारा ब्रिटल मटीरियल है वो तो बी पॉइंट के बाद ही ब्रेक हो जाता है, यानी कि उसके अंदर प्लास्टिसिटी आती ही नहीं, वो जस्ट आफ्टर द इलास्टिक रीजन ब्रेक हो जाता है।
रिटर्न मटीरियल की एग्जाम्पल में आप लोग ले सकते हैं कि कोई भी ग्लास है, कोई भी हाई कार्बन स्टील है, उसे ले सकते हैं। और डक्टाइल मटीरियल में क्या होता है कि डक्टाइल मटीरियल में आप लेड यूज़ कर सकते हैं, आप कॉपर यूज़ कर सकते हैं, आप कभी रॉक आयरन यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है डक्टाइल मटीरियल के एग्जाम्पल में आ जाता है। तो इस तरीके से दोनों मटीरियल के जो ब्लॉक हैं डिफरेंट होते हैं, लेकिन हमें इन दोनों चीज़ों दोनों मटीरियल से जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन की प्रॉपर्टी का पता चल जाता है कि आया कि कौन सा मटेरियल कितनी स्ट्रेस लेयर कर सकता है। जैसा कि अगर आपने कोई बिल्डिंग बनानी हो, कोई बीम है, उस बीम की प्रॉपर्टी के बारे में आप स्टडी करेंगे कि इसके ऊपर कितनी स्ट्रेस अप्लाई की जाए किसी भी बिल्डिंग की कि इसके अंदर जो है डेफॉर्मेशन प्रोड्यूस ना हो, क्योंकि अगर तो डेफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई तो बिल्डिंग की जो है स्टेबल नहीं ना रह सकेगी बिल्डिंग। इसलिए हम लोग पहले ही स्टडी करते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी मशीनरी के अंदर कोई भी आपने पार्टिकल्स वगैरह यूज़ करना है तो उसके ऊपर कितनी स्ट्रेस लगे कि वो कितनी स्ट्रेन को बेयर कर सकता है। जैसा कि अब हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन की प्रॉपर्टी से काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया कि अगर कोई भी मटीरियल है इसके ऊपर स्ट्रेस हम अप्लाई कर रहे हैं तो अगर असल स्ट्रेन तो आएगी, और अगर स्ट्रेन वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाती है, यानी कि जैसे ही फोर्स छोड़ें और मटेरियल अपनी रिटेन कर ले ओरिजिनल पोजीशन, तो हुक फ्लो ऑबे करेगा और इलास्टिक रीजन आएगा, जो कि ये है मेरे पास। मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ये मेरे पास जो है इलास्टिक रीजन आ गया। अगर मैं मज़ीद फोर्स बढ़ाऊँ लेकिन बॉडी के अंदर इलास्टिसिटी भी अभी पाई जाती है, क्योंकि वो वापस हटाने से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ रही है, लेकिन फोर्स का ट्रेंड कुछ अजीब हो गया है कि यहाँ पर मैंने 9 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर दिया, 8 की जगह 9 कर लें, उनसे 10 कर लें, तो 9 न्यूटन जो है 6 से तो बढ़ गया ना, ट्रेंड चेंज हो गया। अभी भी उसके अंदर जो है डेल्टा एल प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन डेल्टा एल जो है वो ये डायरेक्टली नहीं रही, तो इस वजह से यहाँ पर जो है इलास्टिसिटी होती तो है लेकिन हुक्स लॉ भी नहीं होता। और बी पॉइंट पर जो है इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं कि ये यील्ड पॉइंट है, क्योंकि इससे पहले कोई भी मटेरियल है वो इलास्टिक रीजन के अंदर ही होता है, वो अपनी जो है ओरिजिनल पोजीशन अटेन कर लेते हैं। आफ्टर डेट पॉइंट वो प्लास्टिक रीजन के अंदर चले जाते हैं, और प्लास्टिक रीजन के अंदर जब भी कोई बॉडी जाती है तो वो वापस अपनी पोजीशन जो है ओरिजिनल पोजीशन जो है उसकी इनिशियल जो इक्विलिब्रियम पोजीशन थी स्टार्टिंग वाली, उसे अटेन नहीं कर सकती। अब बी से लेके जो हमारी ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस वाली है, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ तक कोई बॉडी मैक्सिमम स्ट्रेस को बेयर कर सके, जिसे हम लोगों ने अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस कहा है, तो ये वाला जो रीजन है इसे हम लोग स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन भी कहते हैं, कि ये मैक्सिमम स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन है, ये स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन है या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस वाला रीजन है, जहाँ पर कोई भी मटीरियल जो है मैक्सिमम स्ट्रेस को बेयर कर सकता है, और उसके बाद उसकी स्ट्रेस करने की जो कैपेबिलिटी है, जो वो बर्दाश्त किए जा रहा था, वो ख़त्म हो जाती है, और जैसे ही वो ख़त्म होती है तो आपका जो भी मटेरियल है वो ब्रेक हो जाता है। तो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में था कि स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में किस तरह से ग्राफिकली जो है रिप्रेजेंटेशन से शो की जा सकती है, किस तरह से हम ग्राफ से इसका जो है रिलेशनशिप देख सकते हैं। तो ये हम लोगों ने, आप किसी भी मटेरियल की स्टडी कर सकते हैं, तो अब हम लोगों ने जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन का बाकायदा ग्राफ जो है प्लॉट करके देखा है कि इसकी क्या क्या जो है डिफरेंट स्टेजेस होती हैं।